हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट इज GK एंड सब्जेक्ट एंड चैप्टर नेम इज नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We Indian follow the democratic system of government where all citizens above the age of 18 years can cast their vote to elect their representative. Can कह रहे हैं वो कि हमारा जो हम जो भारतीय हैं वो एक democratic system में रहते हैं, यानी कि गणतंत्र हमारा जो हमारी जो government है गणतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, जहाँ पर सारे नागरिक भारत के जितने भी नागरिक हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो हम वोट डालते हैं, चाहे हम सीएम विधानसभा के लिए वोट डालें, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब हम सीएम चुनते हैं, और जब हम लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम पीएम चुनते हैं। तो हम पीएम कैसे चुनते हैं? हम यहाँ से अपना एक लोकसभा मेंबर, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं, वो फिर सारे मिलके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। हर एक लोकसभा क्षेत्र से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, और ये वो सारे के सारे जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसी तरह विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, और वो हमारे सीएम का, चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं, वोट डाल के हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय दीज रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द नेशन। और इस तरह से जो गवर्नमेंट बनती है और वो हमारे देश को चलाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही हमारे भारत का संविधान कहता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक लोकसभा क्षेत्र से जाएगा, वो पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री जो होंगे उनके सुप्रीम होंगे, उनसे लीडर होंगे, वो सारे चुनेंगे, फिर पार्लियामेंट में बैठ के वो हमारे देश को चलाएंगे संविधान के अनुसार कानून बना के। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में कानून बनाने की जो बॉडी है, कानून बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा जो जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? पहला है विधानसभा, सेकंड है पार्लियामेंट। तो कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लोकसभा। अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे जो तीन हाउस माने गए हैं, पहला है दो माने गए हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस इज लोकसभा एंड अपर हाउस इज राज्यसभा। तो लोअर हाउस लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया बिसाइड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वो पूछ रहा है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली को छोड़ के। तो जो दिल्ली है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी हमें बतानी है जिसमें दिल्ली इंक्लूड नहीं है, और स्टेट बताने हैं। तो हमारे देश में कितने हैं? 28 स्टेट, 28 राज्य हैं और 7 यूनियन, टोटल 8 हैं, लेकिन एक दिल्ली को कह रहा है दिल्ली को छोड़ के। तो दिल्ली को छोड़ के कितने रह गए? 7। तो इसका आंसर है ये। अभी जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा राज्य हुआ करता था, तब हमारे 29 स्टेट थे, लेकिन वो और हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थी जिसमें दिल्ली भी थी। तो अब वो उसका जो दर्जा है वो स्टेट का हटा के यूनियन टेरिटरी बना दी। तो अब हमारे पास 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी, और इसमें दिल्ली को हटा के कितनी बची? 7। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द राज्यसभा। राज्यसभा और जो अपर हाउस है पार्लियामेंट, जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है, जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहा जाता है, अपर हाउस पार्लियामेंट का जो है उसको राज्यसभा कहा जाता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें मेंबर्स होते हैं हमारे 250। कितने होते हैं? 250। हु हैड द यूनियन, हाउ मैनी मेंबर लोअर लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। हु हैड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है उनका हेड कौन होता है, उनका सुप्रीम कौन होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर।
वो जितने भी हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं, वो अपना एक सुप्रीम, अपना एक नेता चुनते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। विच इज़ द हाईएस्ट कंट्री ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री, हमारे देश में सबसे बड़ा न्याय की जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है, तो कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर डिफेंस फोर्स, हमारे जो जितने भी डिफेंस फोर्सेज है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है और चाहे वो एयरफोर्स है, तो उनका सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ा कमांडर कौन सा होता है, प्रेजिडेंट, कौन सा होता, प्रेजिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे देश का वो कौन है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी टू ईयर, हर दो साल के बाद कितने मेंबर राज्यसभा, कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3, हर दो साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन, हमारे देश का जो उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, वेंकैया नायडू, मिस्टर वेंकैया नायडू, और वही राज्यसभा के चेयरमैन है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो कितनों को कर सकते हैं, 12। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।